में दरकती हुई पहाड़ियां हर बता दे पेड़ी पेड़ी में आसपास क्षेत्र में खतरा जो है बना हुआ है। राजा जी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले मनसा देवी मंदिर के पास पहाड़ियों से लगातार भूस्खलन हो रहा है और यहां से मलबा गिरने के चलते सड़क के साथ साथ रेलवे ट्रैक बाधित हो रहा है। दो दिन पहले आपदा की मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने भी पहाड़ियों के GIS सर्वे के निर्देश दिए थे, जिसके बाद प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी थी। आपको जानकारी दे दें, प्रशासन दरकती हुई पहाड़ियों के ट्रीटमेंट प्लांट के लिए GPR तैयार कर रहा है। आपको यह भी जानकारी दे दें, हर साल बारिश होती है और इसी वजह से पहले से ही यहां पर सुरक्षा किए जा रहे हैं। एक दो मास सर्वे हुआ है लेकिन पूरी कार्रवाई नहीं हो पाई। इसमें सचिव महोदय से हमारी बात हुई है और हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी भेजा है और उन्होंने कहा एक टीम बहुत सी वो भेजेंगे और मिटिगेशन के अंतर्गत चाहे राजा जी नेशनल पार्क इसको टेकअप करें, चंपा योजना के अंतर्गत या मिटिगेशन के अंतर्गत गवर्नमेंट की तरफ से जो कार्रवाई होगी वो हो, तो दोनों में से एक चीज़ शीघ्र होने वाली है और पूरी टीम भी आपकी हमारे शीघ्र विजिट करने वाली है। पौड़ी जिले में बारिश से सबसे ज्यादा प्रभाव बता दे सड़कों पर पड़ रहा है। यहां जगह जगह लैंडस्लाइड के चलते सड़क अब मलबे और पत्थर में दफन हो चुकी है। ऐसे ही कुछ हाल बैजरोह क्षेत्र के सिमरी कंडोली बड़ी मार्ग का है, जहां पर मलबे सड़क पर पूरी तरह से बिछ गए हैं और बता दें लोक निर्माण विभाग अब तक बारिश के कारण सड़कों में हुए नुकसान पर 3 करोड़ तक का एस्टीमेट मरम्मत के लिए तैयार किया गया है। हालांकि विभागीय अधिकारी ने बताया कि बरसात का दौर अभी भी जारी है तो नुकसान सड़कों पर पहुंचेगा, इसीलिए नुकसान का आंकलन लगातार किया जा रहा है। बारिश वर्षा काल में मानसून में हुआ है, अभी इसमें 2-3 हफ्तों से जो बारिशें चल रही है इसमें ज़्यादातर हमारी जो रोडें हैं वो बंद हुई हैं, जिसके लिए JCB डिप्लॉय किया हुआ है हमारा हर ब्लॉक में। और बारिश में कुछ रोडों पे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो आपदाएं का सूचना प्रसारित की जाती है DM महोदय के ऑफिस से, उसके अनुसार हम अपनी तैयारी रखते हैं। जहाँ खबर उत्तरकाशी से है, उत्तरकाशी में जहां बारिश ने जमकर कहर बरपाया है, जिससे बता दें बड़कोट पुरोला धनारी और क्षेत्र में बारिश और अतिवृष्टि के कारण ग्रामीणों के खेत जो है बह गए हैं और साथ ही कहीं भवनों को भी काफी नुकसान हुआ है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, प्रभावित परिवारों को राहत मुहैया भी कराई गई है। अतिवृष्टि से प्रभावित बता दें गांव में से जायजा लिया हमारे सहयोगी ने, देखिए उनकी रिपोर्ट। इस गधेरे में है जो मकान है वहाँ पर ना, हम वहाँ पर काम करते हैं नीचे, हमारे काफ़ी हथियार भी डूबे हुए हैं वहाँ पर, तो हमने काफ़ी शासन प्रशासन को काफ़ी बार बोला है कि यहाँ पर चेक डैम लगाओ या सुरक्षा दीवार लगाओ यहाँ पर, जब भी थोड़ा बारिश होती है और ऊपर से मलमा आता है नीचे हमारे मकान पे नीचे ना। अब 2 बजे रात आए हम से यहाँ पे, जब भीतर मलमा आए तब उठे हम खड़ा, पूरा हमारा सामान सब बर्बाद हुई, कम अज कम हमारा 100 कट सीमेंट हुआ बर्बाद, अच्छी कट है यहाँ पर दबिया पूरा सामान हमारा बक्सा बुक्सा सब जो कुछ नहीं रहे। ये दिक्कत बनी हुई है कि जो सौंदी का ये रोड है ये बहुत समय 3 साल हो गए और 3 साल से मैं प्रशासन शासन प्रशासन BDC मीटिंग में चिल्ला रहा हूँ कि हमारा गांव डूबने वाला है, इसका कुछ ट्रीटमेंट किया जाए, और फिर जो है स्थानीय प्रशासन ने भी कुछ नहीं किया, वो आज हमारा गाँव डूब गया है।